बताएं कि आपने कभी शाहिद भाई को कहा कि यार जब आप छक्के मारते हैं तो ये इट्स अ जैसे कहते हैं ना डू और डाई वाला कोई सीन होता है कि शाहिद भाई आप जब छक्के मारते तो प्लीज़ एक बार सोच लिया करें कि यार तो ये हमें ले जाएगा। हम दोनों जब ओपन करते थे तो शाहिद भाई मुझे अक्सर कहते थे कि यार अब 4 रन हो गए हैं तो अब नेक्स्ट बॉल तो कोशिश करेंगे सिंगल या डबल लेके या डॉट बॉल खेलें, क्योंकि एवरेज मोस्टली होती उस वक्त 5-6-7 रन पर ओवर बड़ी एवरेज होती थी। तो मैंने कहा ओके, जब उनकी बारी आई तो मैंने कहा शायद भाई अब 4 लग गया 6 लग गया तो अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बॉल ऐसा। तो वो हम एक दूसरे को कहते ज़रूर थे लेकिन सुनते किसी की भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते थे। जो बॉल आपकी रेंज में आता था हम दोनों एक दूसरे को मारते थे। हाँ जी। और तो बॉलर्स का अभी भी मुझे याद है कुछ बॉलर्स का कहना था कि अब भाई इससे बचना है या उससे बचना है, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ेंगे तो वो जवान नहीं छोड़ता। तो वो एक देखे कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा एक टर्न आता है जो एक बड़ी फेमस जोड़ी होती है वट एवर किसी फील्ड में भी। तो ये एक समझ लेके जब मैं 2000 में शाहिद भाई से ओपन करता था तो वो एक तो शाहिद भाई मेरे से सीनियर भी हैं, मेरे से पहले खेले हैं, और हम दोनों की जिस तरह हम फास्ट क्रिकेट खेलते थे तो वो एक हमें अच्छी पार्टनरशिप मिलती थी। तो हमें टीम की तरफ से भी बड़ी सपोर्ट होती थी। दुनिया फ़ैन फॉलोइंग तो देखे ना, लोग चाहते थे कि थोड़ा इंटरटेनमेंट फास्ट क्रिकेट उस टाइम पे। तो आजकल की तो क्रिकेट ही सारी एक जैसी ही है, सारी इंटरटेनमेंट है, और अच्छा लगता था और कहते ज़रूर थे एक दूसरे के लेकिन सुनते नहीं थे। सही हो गया। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ 2011 में वर्ल्ड कप हुआ, राइट? या तो इंडिया ने जीता था, तो चले वो 2011 तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके टेन्योर में आता है। अदरवाइज़ जब भी वर्ल्ड कप होता है और जब आपकी दफ़ा भी हुआ तो हमेशा ये एक परसेप्शन और एक वो है ना जैसे कहते हैं र्यूमर फैलता है कि पता है ये मैच फिक्सिंग होती है, पाकिस्तान हमेशा हार के वापस आ जाता है। तो जब उस वक्त आप लोग की पूरी टीम हार के वापस आई तो क्या जज्बात थे आप लोग? देखिए मैं समझता हूँ क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ और बाहर दुनिया क्या बात कर रही है वो लोगों का क्या कहना, लोगों का तो काम ही कहना है, बस बोलते रहना। और देखें क्रिकेट में या वाट एवर कोई भी स्पोर्ट्स लेते हैं उसमें एक ने हारना है एक ने जीतना है। आजकल बड़ा एक ट्रेंड है सोशल मीडिया, खुद ही वकील, खुद ही जज और खुद ही फैसला। तो वो एक चीज़ मैं अपनी नज़र में मैं इन चीज़ों को कहीं कोई मायने नहीं देता। लोग जो मर्जी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका हक है, वो जो उनको लग रहा है वो बोल सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अंदर इनसाइट्स होते हैं? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। और देखें अब वन बॉल गेम है, आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि आज मैं 100 रन करके हार गया, यार मैं अभी 100 रन करके आया। किस तरह भाई, ऐसे नहीं होता। आप पहली बॉल पे भी जाते आउट होते हैं, बहुत आउट क्लास फार्म लगी होती है और जाते पहली बॉल पे बंदा आउट हो जाता है। बैड फार्म लगी होती है और आपके एक आधा कैच भी छूटता है, रन आउट भी मिस होता है। एंड ऑफ द डे जब आप 150 करते हैं तो आपकी फॉर्म वापस आ जाती है। तो ये एक लकी गेम है। आप इसको, मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, मैं इन चीज़ों से मैं कभी भी नहीं मानता। तो मुझे ये बताएं कि जब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जब भी पाकिस्तानी टीम इंडिया के साथ खेलती है तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि कंफ्यूज हो जाती है या प्रेशर ज़्यादा? ये मैं नेचुरल है ये देखें होता क्या है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और हमारी दोनों नेशन जो है वो एक बड़ी जज्बाती नेशन है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन नेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है। वो चाहती नहीं कि हम लोग हारें, स्पेशली पाकिस्तान से। पाकिस्तान की नेशन जितनी भी है वो चाहती नहीं है कि हम इंडिया से हारें, लेकिन एंड ऑफ द डे एक ने हारना है और जो अच्छा खेल जाएगा। देखें क्रिकेट डे की गेम है, जब आपका दिन अच्छा है तो आप आउट भी कर रहे हैं, आपके कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, आप छक्के भी मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा होता है। दिन अच्छा होना चाहिए और इसमें ये नहीं है कि यार इसने ये मैच फिक्स कर दिया है। कैसे हो सकता है यार? आप, मैं इन चीज़ों पे बिलीव रखते ना, मैं मानता हूँ ये वही जो मर्जी लिख दे तो वो गलत चीज़ है। मुझे हाँ, आप क्रिकेट को क्रिकेट ही समझ के देखें। आप क्रिकेटर के जितने भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं या जितनी भी फैंस होते हैं वो लोग वॉच करें ना, आप क्रिकेट को देखें ना। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यार ये अच्छा नहीं आज खेला, इसने आज अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो ज़रूरी है आप नेगेटिव कमेंट्स लिखेंगे, उससे टीआरपी आपकी बढ़ेगी। तो वो मैं उन चीज़ों को गलत गिनता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट में बड़ी एक मज़े की गेम है। जब आप, पहले क्या होता था, लोग देखते थे, मज़ा करते थे, इसका एंजॉय करते थे। और आज भी देख लें बहुत सारे स्टेडियम बड़े होते हैं, T20 आ गई, दे मार छक्का चौका लग रहा है, एंटरटेन हो रहे हैं लोग, तो एंजॉय करें ना आप। हाँ ये ज़रूर कमेंट्स कर दें यार आज इसको अच्छा खेलना चाहिए था, इसको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, ये हमारी हारने की वजह है, ना कि आप नेगेटिव कमेंट्स लिखे गलत। ये चीज़ मैं नहीं मानता। ड्रेसिंग रूम का वाक्य को सुनाए, जो जाहिर है जब सब फ्री होके बैठते होंगे ड्रेसिंग रूम में, कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होती होगी विच इज़ इरेलीवेंट या अच्छी मजे का भी हो सकता है कोई वाकया। नहीं, बहुत सारे वाकये क्रिकेटर्स के बड़े वाकये होते हैं, और क्योंकि आपने बड़े बहुत टाइम आपने एक दूसरे के साथ वाकया, अब कौन सा कोई मजेदार कोई एज अ मेमोरी याद चले, कभी बीच में कोई याद आता तो मैं फिर बताता हूँ। अभी तो मुझे ये बताएं कि आपको जब आर्थराइटिस का इशू हुआ और यू स्टार्टेड रिकवरिंग, तो फिर आपने दोबारा क्रिकेट को ज्वाइन करना क्यों नहीं सोचा? हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ा इस पे मुझे जो है वो थोड़ा इस चीज़ पे है कि यार मुझे बैकअप मिलना चाहिए था, ना कि अगर मैं 7-8 साल के बाद जब वापस आता हूँ क्रिकेट में तो मुझे स्पेशली इग्नोर किया गया, तो वो उस चीज़ का मुझे दुख है। शायद मुझे इंजरी का उतना दुख नहीं है जितना ये चीज़ है, क्योंकि मैं 2 साल क्रिकेट में स्ट्रगल करता रहा हूँ, और मैं अगर फिटनेस की बात करूँ या मैं अपनी क्रिकेट वाइज बात करूँ तो उसमें मैं आलमोस्ट अब 34, 35 ईयर्स, 36 ईयर का, तो मेरे ख्याल उस एज में भी मैं अगर इतना फ़िट हूँ, मैं उस काबिल खेल सकता हूँ, तो मुझे डेफिनेटली थोड़ा इस चीज़ के अपने मुल्क के लिए बैकअप मिलना चाहिए था। तो ना कि अथॉरिटी से देखिए यहाँ पे होता गया है कि आप बात तब करें ना जब आपको उसका कुछ सलूशन मिल जाए। आपका खुद हक बनता है कि यार एक बंदा हमारा अपना, और इतने लॉन्ग जर्नी और इतने पीसीबी के चेयरमैन से बात की हो या कुछ ऐसा? नहीं, मैं क्योंकि मैं इन चीज़ों तक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही मुझे वो जो जिस तरह बिल्कुल ये खुडे लेने कर दिया गया, तो फिर मैं नहीं समझता कि मैं जाके हर जगह चैनल पे वाटावर कहीं भी जाके एंड ऑफ द डे मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच, मेरी किस्मत शायद भाई से भी बात नहीं की, को मशवरा नहीं, मशवरा बड़ों से किया है, बड़ों से मैं भागता रहा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं इसलिए गिला नहीं करता क्योंकि मैं उनमें से हूँ नहीं कि जो आके चैनल पे भी अपनी बक करेगा और रोए पिटेगा। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या मिलेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो उससे बेहतर है कि आप टाइमली उस टाइम पे एक चीज़ डिसाइड की कि हाँ अब टाइम है डिसीजन का कि आपने फैमिली पिक करनी है या अपनी क्रिकेट। तो उस वक्त मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जो मेरे जिस तरह मैं टाइम सर्वाइवल कर रहा हूँ या कर रहा था, तो उसमें मुझे बेहतर यही लगा था कि मैं अपनी फैमिली को उनके लिए कुछ कर दूँ। अब Choosing family over everything is a wise decision. Yeah, definitely. वो मैं समझता हूँ कि वो मेरी लाइफ का, चलो मैं अब ये समझता मेरा बेस्ट डिसीजन है। अगर आपको दोबारा मौका मिलता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे आज भी मैं इतना तो फिट हूँ ही, मैं मैक्सिमम 2-4 महीने अगर खेलता हूँ तो इतना तो हूँ कि अच्छी नहीं बहुत अच्छी क्रिकेट तो खेल ही लूँगा मैं। अगर आपको मिलता चांस तो वुड यू? नहीं, इतना वो चांस नहीं है कि अब राइट नाउ मैं 42 इयर्स का, और क्या मुझे पाकिस्तान के लिए कॉल आए या और किसी को बेस्ट लीग के लिए, तो मैं खुद ही, क्योंकि मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मैं इन चीज़ों को सारी अच्छे से समझता हूँ कि आपकी एज फैक्ट जो है वो बड़ा मायने रखती है। तो बेहतर यही था कि मैं उसको जब मैं बिज़नेस को चूज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें खुश हूँ।